हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप मेरे आने वाले हर एक वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल में वीडियो आने में देरी हो रही है। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो डिले होने का मेन रीज़न है कि मैं अभी बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ, जिसके चलते मेरा कभी कभी तबीयत खराब हो जा रहा है, इसलिए मैं वीडियो सही समय पर नहीं बना पा रहा हूँ। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा हुआ था जो आने वाले समय में मैं आप लोगों को बताने वाला भी था, लेकिन दोस्तों अभी मेरा जिस तरह से हालात है तो मुझे लगता नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाऊँ। लेकिन दोस्तों, अगर आपका ऐसा ही सपोर्ट रहे और आप भगवान से दुआ करें कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊं, तो अगर आपका दुआ काम करता है तो मैं शायद ठीक हो जाऊं, तो मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला पाऊंगा। तो आप कृपया करके मेरे लिए दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँ। तो दोस्तों, चलते चलते मैं आप लोगों का एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे कि जो 3D मैनकेंस ऐप है उसमें जो पिक का ऑप्शन आता है, जो बैकग्राउंड में पिक का ऑप्शन आता है, जैसा कि यहाँ पर हम बैकग्राउंड पे क्लिक किए और यहाँ पर हम इस आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे मोबाइल में तो पिक का ऑप्शन आ गया है, लेकिन आपका जो डाउट है कि हमारे मोबाइल में पिक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जिन भाइयों का पिक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके बगल में ही यहाँ पर आपको कलर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो लास्ट वाले जो नीचे वाले जो कलर है वाइट का, आपको इस वाइट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप वाइट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो बगल में यहाँ पर आप देखेंगे एक यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन है यहाँ पर, तो आपको कलर पर क्लिक करना है। और कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको तीन कलर्स आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला कलर्स है इसका जो आइकन है इसको आपको खींच कर इस तरह से लास्ट में कर देना है, और लास्ट में करने के बाद फिर यहाँ पर दूसरा जो कलर्स है उसका बारी आता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर भी जो इसका आइकन है ये वाला आइकन, इसको भी आपको खींच कर लास्ट में कर देना है। और लास्ट में करने के बाद अब यहाँ पर जो लास्ट वाला कलर्स है, कलर्स का जो ऑप्शन है इसको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जहाँ पर भी हरा कलर है, जहाँ पर भी हरा कलर, जैसा कि यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको हरे कलर के पास ले जाना है। और जैसे ही आप हरे कलर के पास ले जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका पीछे का बैकग्राउंड था वह ग्रीन स्क्रीन में बदल जाएगा। तो आप इस तरह से आप अपने जो पीछे का बैकग्राउंड है वो अपने हरे कलर में बदल सकते हैं।